हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट सपोर्टिंग चैनल मैथ्स मैजिक एम स्क्वायर। बच्चों, टर्म वन के लिए जो हम कोर्स कर रहे हैं उसमें हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पहला पार्ट यहां करने जा रहे हैं। ये चैप्टर दो पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में, दोनों ही पार्ट में 25-25 क्वेश्चन होंगे और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आपका कॉन्सेप्ट तो बूस्ट होगा ही, साथ में आप एग्जामिनेशन में भी इन क्वेश्चन की हेल्प से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन की वीडियो देखने के बाद इनकी कॉपी में प्रैक्टिस जरूर करें। तो आइए पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन लीप ईयर हैविंग 53 मंडेज इज। बच्चे, इस क्वेश्चन बताना है कि नॉन लीप ईयर में 53 मंडेज होने के क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों, नॉन लीप ईयर में इस वाले में कुल होंगे 365 डेज। हम पता कर लेते हैं कि 365 में कुल कितने वीक्स होंगे। तो इसके लिए आप 365 को डिवाइड कर लीजिए 7 से। 7 फाइव जा, ये हो जाएगा 35, 15 फिर 2 जा डिवाइड कर लीजिए, ये आ गया 14, कैरी रिमाइंडर आ गया 1। ओके, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है बच्चों कि 365 डेज में 52 वीक्स होंगे और वन डे होगा। ओके, तो इन 52 वीक्स में तो सभी मंडेज आने हैं, सभी ट्यूजडेज आने हैं, ऑल डेज आने हैं, मतलब इतने में तो फिक्स है ना, कि सभी संडे आएंगे, सभी मंडे आएंगे और बाकी जो डेज है सभी आने हैं। लेकिन जो ये एक दिन बच जाता है, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, है ना। तो ये जो एक दिन है उसमें क्या पॉसिबल है, या तो ये हो सकता है कि मंडे हो, या ये हो सकता है कि ट्यूसडे हो, या वेडनेसडे, या थर्सडे, या फ्राइडे, या सैटरडे, या संडे। ये जो एक दिन है इनमें से कोई एक होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना। तो ये जो है एक दिन, एक मंडे कितने में से हो सकता है, इतने में से। मतलब ये कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुल जो डेज हैं, सैंपल स्पेस जो पॉइंट हैं, वो हैं 7 और सिर्फ एक मंडे, हमें एक मंडे चाहिए, क्योंकि देखो 52 मंडे तो इसमें आ चुके, 52 मंडे तो इसमें आ चुके, एक ही तो बचा। तो एक के लिए हमारे पास क्या चांसेस होंगे, इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स होगा, ये रहा 1, अब कितने में से होगा, 7 में से। तो इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज इज इक्वल टू 1/7। ओके, चलिए एक बार मैं और आपको रिपीट कर देता हूं। देखो, एक लीप ईयर में कुल 365 डेज होंगे, इसमें से 52 तो वीक्स होंगे, मतलब इसमें सभी डेज आ जाएंगे, बचेगा सिर्फ एक दिन। तो एक दिन क्या हो सकता है, वो मंडे हो सकता है, वो ट्यूजडे हो सकता है, वो वेडनेसडे हो सकता है, वो थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, या संडे हो सकता है, इनमें से कोई एक दिन होगा। लेकिन क्योंकि 52 मंडे तो पहले ही आ चुके 52 वीक्स में, है ना, अब एक और मंडे बचा जो कि 53 होगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इज इक्वल टू, भाई कितने में से चांस बनाना हमें, 7 में से, और मंडे कितना, 1 आ रहा था, 1/7। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 और मोर ऑन टू डाइस। बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है कि टू डाइस को थ्रो किया जाता है एक साथ, तो जो आउटकम्स आएंगे उस पे सम क्या हो, 10 हो या 10 से मोर हो। इसका मतलब ये कि सम जो होना चाहिए 10, 11 और 12, ये। तो डाइस पर जो नंबर्स प्रेजेंट हो रहे हैं, जो ऑप्टेन होंगे, उनका सम 10, 11, 12 होना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी क्या है। तो बच्चों, उसके लिए मैं जो है टू डाइस के लिए आपको आउटकम्स दिखाता हूं और बताता हूं कि इनके लिए क्या आउटकम्स होंगे। ओके, तो वहीं से आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाना है। बच्चों, कुल आउटकम्स आपको बताया कि टू डाइस के लिए कुल आउटकम्स होंगे 36, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 36। देखिए, ऐसे बना सकते हैं जो यहां लिखे हुए हैं, है ना, ऐसे बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, आप वन मार्क्स के लिए इतनी मेहनत ना करें, लेकिन फिर भी आपको ये लिखना आना चाहिए और बिना लिखे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों, हमें ऐसे आउटकम्स चाहिए जिनका सम 10 हो, 11 हो और 12 हो,
देखिए 10 के लिए लिखा हुआ ये बना रखा हमने, 1, 2, 3 ऑप्शंस हैं, 11 सम होगा उसके लिए हमारे पास ये दो ऑप्शंस हैं, और 12 सम होने के लिए हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है। तो कुल कितने हो गए आप देख पा रहे हैं, कुल 6 हैं, है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। देखिए भाई आपको किसकी प्रायोरिटी बतानी है, दोनों डाइस पे जो नंबर ऑप्टेन हो रहे हैं, जो मिल रहे हैं उनका सम 10 हो, 11 हो या 12 हो। ओके, तो ये कितने, देखो 3 यहां है, 2 यहां है और एक यहां आउटकम है, तो कुल 6 है। तो बच्चों रिक्वायर्ड प्रायोरिटी जो हो जाएगी वो 6/36 भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आ गया 1/6। 6 से आप ऐसे कैंसिल कर लीजिए तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए देन पी सेटिस्फाइज। बच्चों यदि किसी इवेंट की प्रायोरिटी पी है तो इसकी वैल्यू हमेशा 10 से लेके 1 तक होती है, 0 से लेके 1 तक होती है। तो यहां कोई ऐसा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बच्चों को पता ही होगा कि किसी भी इवेंट की प्रायोरिटी 0 से लेके 1 तक होती है ना, इससे बाहर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4, द किंग एंड क्वीन ऑफ डायमंड, बच्चों ध्यान देना डायमंड का, आर रिमूव्ड फ्रॉम पैक ऑफ वेल सफलेट प्लेइंग कार्ड्स, वन कार्ड इज सेलेक्टेड एट रेंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ क्लब। बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लेइंग कार्ड में से किंग और क्वीन दो कार्ड डायमंड के निकाल लिए जाते हैं, अब बच गए 50 कार्ड्स, उस 50 कार्ड में से बच्चों वन कार्ड ड्रॉ किया जाता है, लेकिन उस कार्ड के किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों यहां रिमेनिंग कार्ड्स इज इक्वल टू 52 - 2 50, क्लियर है। अब क्योंकि हमने दो कार्ड निकाल लिए हैं, है ना, और दो कार्ड निकालने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहां 50 कार्ड ही बचेंगे। अब बच्चों किंग, क्लब का किंग एक ही होता है, ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ क्लब इज इक्वल टू 1/50। अरे भाई क्लब में एक ही किंग तो होता है, तो इस इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम्स हैं 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 50, तो 1/50 मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इन इधर सक्सेस और फेलियर, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज। बच्चों इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आता है वो दो ही रिजल्ट आता है, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। अब बच्चों यहां दिया हुआ है कि सक्सेस की प्रायोरिटी फेलियर की प्रायोरिटी की ट्वाइस है, तो आपने सक्सेस की प्रायोरिटी बतानी है। अब बच्चों मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि प्रायोरिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू पी है, तो प्रायोरिटी ऑफ सक्सेस निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, टू पी हो जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों को, फेलियर की प्रायोरिटी हम मान लेते हैं पी, तो सक्सेस की जो प्रायोरिटी होगी बच्चों वो ट्वाइस होगी, देख पा रहे हो क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका मतलब है कि इसका ट्वाइस 2p प्रायोरिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस सॉरी पी ऑफ एफ और पी ऑफ एस मतलब प्रायोरिटी ऑफ फेलियर प्लस प्रायोरिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू 1, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में दो ही आउटकम्स हैं और दोनों की प्रायोरिटी का सम 1 होगा। ओके, तो अब यहां पी प्लस 2p भाई पी इसकी प्रायोरिटी है और 2p इसकी है इज इक्वल टू 1, 3p इज इक्वल टू 1, पी इज इक्वल टू 1/3। लेकिन बच्चों हमें बतानी है प्रायोरिटी ऑफ सक्सेस, तो पी ऑफ एस बताना है, तो ये 2p था, तो ये 2 × 1/3 मतलब 2/3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सपेरिमेंट विच वेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन प्रोड्यूस सेम रिजल्ट और आउटकम्स आर नोन एज। बच्चों ध्यान देना यहां कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जो किसी आइडेंटिकल कंडीशन में रिपीट किया जाता है, उसे सेम रिजल्ट आते हैं, है ना, या सेम आउटकम आता है, तो उसे हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ये एक डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बच्चों कहा गया है कि यहां कौन सा ऑप्शन
प्रायोरिटी नहीं हो सकता है। बच्चों को ध्यान रखना है कि पी जो होता है, प्रायोरिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, वो जीरो से वन तक होती है ना। तो ना तो निगेटिव होगी ना, मतलब जीरो से छोटी नहीं होगी और वन से बड़ी नहीं होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो ऑप्शन है ये वन से बड़ा है, ये वन से छोटा है और ये भी वन से छोटा। अरे भाई ये 25/100, ये आ जाएगा 0.25, ये भी वन से छोटा और ये भी वन से छोटा है। तो ये देख पा रहे हैं कि ये जो ऑप्शन ए है ये वन से बड़ा है। जब बच्चों कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखेंगे प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती है, कभी ऐसे भी कंफ्यूज किया जा सकता है आपको। तो यहां आपने ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू है 1.5 वन से बड़ी है, तो इसका मतलब ये कि ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए करेक्ट है जो कि आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर एन इवेंट ई पी ऑफ ई और पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू क्यू। बच्चों किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो यहां क्यू इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब चेक कीजिए ऐसा कोई ऑप्शन है, ए बी पॉसिबल नहीं, ए भी पॉसिबल नहीं, बी भी पॉसिबल नहीं है और यहां सी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह है कि नन ऑफ दिस, यहां कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स व्हेन टू कॉइंस आर टॉस्ड टुगेदर। जब बच्चों दो कॉइन टॉस किए जाते हैं तो दो हेड के आने की प्रायोरिटी आपने बतानी है। तो बच्चों यदि हम पता करना चाहें कि टू हेड्स के लिए सैंपल स्पेस क्या होता है, मतलब ये कि कुल आउटकम्स क्या होंगे, तो आप कह सकते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। ओके, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं और हमें बताना क्या है कि दो हेड आने की प्रायोरिटी बतानी है। इसका मतलब ये इसकी बतानी है, तो पी ऑफ एच एच इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि दो हेड आने के जो फेवरेबल आउटकम्स है वो है 1, कुल आउटकम्स कितने हैं 4, तो हो जाएगा 1/4, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। बच्चों कहा गया है कि एक इवेंट के होने के चांसेस ना के बराबर है, मतलब इवेंट हो ही नहीं सकती है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है लगभग 0 होगी, है ना। यदि कोई इवेंट होना ही नहीं चाह रही है, आप ऐसा कह सकते हैं किसी भी इवेंट के ना होने के चांसेस क्या हैं, मतलब किसके क्लोजेस्ट होगी। तो आप देखें सबसे, अगर हम देखें तो 0 के सबसे पास ये वाला नंबर है ना, सबसे पास ये वाला नंबर है ऑप्शन ए वाला, बाकी जो है ये 0 से काफी दूर है, मतलब ये कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या बच्चों को मेरी बात समझ में आई? मैंने आपसे कहा यहां क्वेश्चन में पूछा गया है किसी भी इवेंट लगभग ना होने के चांसेस क्या होंगे, मतलब लगभग 0 ही होंगे, तो यहां इसके मतलब यहां कौन सा क्लोजेस्ट है 0 के इस इन ऑप्शंस के हिसाब से। तो आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा करीब जो है 0 के ये है, बाकी ये थोड़े 0 से दूर है, लेकिन ये इनमें अगर कंपेयर करें इन सभी ऑप्शंस में तो 0 करीब लगभग ये है। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों यहां इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ कार्ड्स पे 2 से लेके 11 तक नंबर लिखा हुआ है और इन्हें एक बैग में रख दिया गया है और फिर इसके बाद एक कार्ड ड्रॉ किया जाता है, तो कार्ड पर प्राइम नंबर लिखे होने की क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम बच्चों बात करें कुल नंबर्स की, तो 2 से 11 मतलब कुल यहां जो नंबर है वो 10 है। ओके, ये हो जाएगा 10। अब हम बात करें बच्चों प्राइम नंबर की, कितने प्राइम नंबर्स हैं, कुल आउटकम्स तो 10 है, प्राइम नंबर है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11। प्राइम नंबर्स 2 से लेके 11 तक इतने ही होंगे, 2, 3, 5, 7, 11। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एक प्राइम नंबर आने की हो जाएगा 5/10, क्योंकि प्राइम नंबर आने के लिए फेवरेबल आउटकम्स होंगे कुल 5, कुल आउटकम्स है 10, तो 5/10 मतलब 1/2, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं 5 से। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, अ लेटर इज चूजन एट रेंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से एक वर्ड चुना जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ वॉबल। बच्चों यहां क्वेश्चन में कहा गया है कि मैथमेटिक्स वर्ड से एक लेटर चूज किया जाता है, तो उसके बॉबिल होने के क्या चांसेस हैं। तो अगर हम कुल आउटकम्स देखें बच्चों, टोटल नंबर ऑफ आउटकम देखें, मतलब एन ऑफ एस सैंपल स्पेस में कुल कितने पॉइंट्स है, 11 है, चेक कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुल 11 लेटर्स हैं। अब हमें क्या लेके आना है, बॉबिल, है ना। तो यहां बॉबिल कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉबिल्स कितने हैं, देखो ए मतलब 1, 2, 3, 4 बॉबिल्स हैं। ओके,
तो प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग अबॉबिल इज इक्वल टू 4/11, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी करेक्ट है। बच्चों समझ में आ गया बच्चों को कि इसमें आपने बताना है कि इसमें से एक बॉबिल आने की प्रायोरिटी क्या है। तो कुल बॉबिल्स कितने हैं? 4 हैं। और कितने में से हैं? 11 में से हैं। तो रेशियो बना लीजिए, है ना। प्रायोरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो पी ऑफ वी हो जाएगा पी ऑफ गेटिंग अ बॉबिल इज इक्वल टू 4/11। क्वेश्चन नंबर 13, टू डाइस आर थ्रोन टूगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। बच्चों कहा गया इस क्वेश्चन में कि दो डाइस थ्रो किए जाते हैं, तो प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पर सेम नंबर आने के क्या चांसेस हैं। तो आइए मैं इसे दिखाता हूं, कुल आउटकम्स कैसे होंगे। या सेम नंबर्स मतलब ये कि दोनों पर या तो 1-1 आए, या 2-2 आए, या 3-3, या 4-4, या 5-5, या 6-6। देखिए बच्चों, कुल आउटकम्स तो आप ऐसे लिख पाएंगे जो कि आपको आता ही है। तो यहां टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 है, मतलब सैंपल स्पेस में कुल कितने पॉइंट है? 36। और अगर हम बात करें सेम नंबर्स की, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये 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 और ये, तो ये कितने हैं? मान लीजिए कि ई से रिप्रेजेंट होते हैं ये वाले आउटकम्स, तो ये 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई मतलब सेम नंबर, तो ये जरा 6/36, 1/6, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, टू अनबाइज कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज P/Q, देन P+Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू। बच्चों कहा गया कि दो अनबाइज कॉइन एक साथ टॉस किए जाते हैं, तो हेड ना आने की प्रायोरिटी P/Q है, तब P+Q का होल स्क्वायर क्या होगा? बच्चों अगर हम इस केस के लिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए अगर सैंपल स्पेस लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल या टेल टेल। ओके, अब नो हेड मतलब हेड आए नहीं, तो उसके लिए बच्चों ये आउटकम होगा, तो मतलब ये कि पी ऑफ नो हेड इज इक्वल टू पी ऑफ टीटी, मतलब क्या है, सिर्फ टेल टेल ही आए, तो ये हो जाएगा 1/4। तो इसका मतलब ये P/Q के इक्वल हो जाएगा, P आपके पास 1 है, Q आपके पास 4 है, तो P+Q की होल पावर 2 इज इक्वल टू 1+4 की होल पावर 2, 5 की पावर 2 मतलब 25। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बच्चों को समझ में आ गया ना यहां क्या करना है? भाई आपने ये बताना है कि हेड आने की प्रायोरिटी P/Q है, तो P+Q का होल स्क्वायर क्या होगा। तो हमने ये पता कर लिया कि प्रायोरिटी नहीं आने, मतलब कि हेड नहीं आने की, नो हेड की प्रायोरिटी क्या है। तो आप देख पा रहे 1/4 है, तो यहां P1 है और Q4 है, तो 1+4 का स्क्वायर 25। क्वेश्चन नंबर 15, इफ एन इवेंट कैन नॉट ऑकर देन इट्स प्रायोरिटी ऑफ ऑकरिंग इज। बच्चों कोई इवेंट हो ही ना, मतलब ना हो, इवेंट कोई हैपन ही नहीं होनी है, होनी नहीं है, मतलब ये इंपॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? क्योंकि इंपॉसिबल इवेंट है, इंपॉसिबल इवेंट की प्रायोरिटी 0 होती है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ 3 डिफरेंट कॉइंस आर टॉस टुगेदर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। बच्चों कहा गया इस क्वेश्चन में कि 3 डिफरेंट कॉइंस को टॉस किया जाता है, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बच्चों 3 डिफरेंट कॉइन के लिए क्या सैंपल स्पेस होगा, ये आप लिखना जरूर जानते होंगे और मैं यहां दिखा भी देता हूं। बच्चों यदि 3 कॉइन टॉस किए जाएंगे तो ये सैंपल स्पेस होगा। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कुल 8 है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहां कुल सैंपल पॉइंट्स हैं 8। अब 2 हेड्स के लिए हमें पता करना है कुल कितने आउटकम्स हैं, तो एक तो ये हो जाएगा, एक ये और ये, तो यहां मान लीजिए कि ई इवेंट है गेटिंग ऑफ 2 हेड्स, तो एन ई कितना है बच्चों? एन ई आपके पास 3, तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/8, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। ये बच्चों को सैंपल स्पेस लिखना आता होगा, है ना, तो आप 3 डिफरेंट कॉइन के लिए इस प्रकार से सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। ये कुल 8 हैं और हमें 2 हेड्स आने की प्रायोरिटी बतानी है, तो 2 हेड्स आप देख पा रहे हैं इस वाले ऑप्शन में है, इस वाले में है और इस वाले में है।
है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स कुल 3 है, तो हमें पी ऑफ ई बताना है, तो 3/8 मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रायोरिटी ऑफ एन इवेंट। बच्चों यहां पूछा गया है कौन सा नंबर प्रायोरिटी नहीं हो सकता है, तो पी की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, मतलब 0 से 1 तक होती है। ओके तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा तो प्रायोरिटी नहीं होगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये वाला जो नंबर है ये 1 से बड़ा है, जबकि ये वाला नंबर भी 1 से बड़ा है, ये दोनों सेम नंबर ही है, और यहां ये 1 से छोटा है और ये भी 1 से छोटा है। तो बच्चों इसे मिस्टेक हो सकती है, आप इसे मान लीजिए कि ये जो है ये मान लीजिए कि 1/2 है, ऐसा मान लीजिए। ये बच्चों क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है क्योंकि यहां एक ऑप्शन गलत है हमारे पास, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो है करेक्ट है, प्रोबेबिलिटी के लिए ये नंबर पॉसिबल है क्योंकि ये 1 से बड़ा। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन अ सिंगल रोल ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। बच्चों कहा गया एक डाई को रोल करें तो 7 से छोटे नंबर आने की प्रायोरिटी क्या होगी। तो यहां बच्चों अगर हम देखना चाहें तो कुल सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे, 6 by 1 2 3 4 5 6। एक डाई में कुछ 6 ही फेसेस होती हैं और नंबर भी 1 से 6 तक होते हैं, तो कुल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, कुल आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं। अब 7 से छोटे मान लीजिए कि लेस देन ई, लेस देन 7 जो नंबर आता है उसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उस इवेंट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तब कुल कितने आउटकम्स होंगे, वो भी 6 होंगे, है ना। 7 से छोटे कुल कितने नंबर्स हैं, डाइस की छोड़िए ऐसे बताइए, 7 से कुल कितने छोटे नेचुरल नंबर्स हैं, 6। तो यहां सैंपल स्पेस में भी कुल 6 पॉइंट्स हैं और जिस इवेंट की प्रायोरिटी हम पता करना चाहते हैं उसमें भी आउटकम 6 हैं। तो इसका मतलब यह है कि पी ऑफ ई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि एन ई है 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि 6 है, एन एस है जो कि 6 है, तो आप देख पा रहे 1 मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ टू कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देन प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। बच्चों ध्यान देना, जब एट लीस्ट कहें ये 1 से स्टार्ट कर रहा है तो 1 वाले भी लेने हैं जिनमें ऐसे ऑप्शंस भी लेने हैं जिसमें 1 आए और ऐसे आउटकम भी लेना है जिसमें 2 आए। भाई यहां टू कॉइंस थ्रो किए गए हैं तो अधिक से अधिक 2 ही हेड आ सकते हैं। ओके तो एटलीस्ट बोल रहा है तो यहां दोनों ही ऑप्शन चाहिए जिनमें 1 हेड वो भी और जिनमें 2 हेड्स हैं वो भी। तो बच्चों 2 कॉइंस के लिए सैंपल स्पेस ये होगा, हेड टेल और टेल। ओके तो एनएस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 4, है ना। अब मान लीजिए जो यहां इवेंट दी गई गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके लिए कुल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, भाई बोला एटलीस्ट 1 हेड एंड 2, मतलब एटलीस्ट 1 हेड इसका मतलब है कि 1 वाले और 2 वाले दोनों लेने पड़ेंगे आपको। तो आप देख पा रहे 1 2 3 ये ऐसे आउटकम्स हैं जिनमें 1 हेड या 2 हेड आ रहे हैं, तो ये कुल कितने हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि एन ई से रिप्रेजेंट है और वो 3 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 है, तो 3/4। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, अ फेयर डाइस इज रोल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर पी सच दैट पी लेस देन इक्वल 6 ग्रेटर इक्वल टू 6, मतलब पी एक ऐसा नंबर है जो 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकता है। ओके तो आपको इस नंबर के आने की प्रायोरिटी बतानी है। ओके एक फेयर डाइस पे कुल 6 नंबर होते हैं और पी रिप्रेजेंट किससे होता है, कोई भी नंबर जो आता है वो इससे रिप्रेजेंट होता है पी से, तो आपको इसकी प्रायोरिटी बतानी है। तो बच्चों इसकी जो प्रायोरिटी है, जो नंबर दिया गया उसकी जो प्रायोरिटी है वो 1/6 होगा। भाई देखो ऐसा समझो 1 2 3 4 5 6 ये आपके नंबर्स हैं, पी इनमें से कोई एक हो सकता है, तो इनमें से किसी एक नंबर के आने की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 1/6। अब आपने देखना है कि ये किस कंडीशन में सेटिस्फाई करता है, क्या ये ग्रेटर देन 1 है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्या ये इक्वल 0 है, बिल्कुल नहीं है, क्या 1 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, क्या ये 0 और 1 के बीच में है, यस 1/6 0 और 1 के बीच में होता है, तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21,
अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को हम जो है थ्रो करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 3 ग्रेटर देन 2। बच्चों एक डाइस को थ्रो करते हैं, कोई 6 नंबर आएंगे 1 से लेके 6 तक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, अब वो नंबर 3 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो, कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है? मतलब ये इंपॉसिबल इवेंट है, तो इंपॉसिबल इवेंट की प्रायोरिटी हो जाएगी 0। क्वेश्चन नंबर 22, टू डाइस आर रोल्ड वंस, देन द प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर्स ऑन टू डाइस हुज प्रोडक्ट इज 12। बच्चों क्वेश्चन को समझें, कहा गया दो डाइस को हमने एक बार थ्रो किया, रोल किया, तो कुल 36 आउटकम्स आएंगे। वो कैसे आएंगे, कौन कौन से होंगे, अभी आपको शो करेंगे। तो बच्चों आपको ऐसे आउटकम है ना, क्योंकि दो डाइस हैं, दोनों डाइस पे जो नंबर्स आए उनका प्रोडक्ट कितना हो 12, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। नंबर जो भी नंबर प्रेजेंट हो दोनों डाइस पर उनका प्रोडक्ट 12 होना चाहिए। तो कुल आउटकम्स कितने होंगे, आइए दिखाते हैं आपको। कुल आउटकम्स ये होंगे 36 है ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज इक्वल टू 36। अब बच्चों क्या पूछा हमसे कि उसकी प्रायोरिटी बतानी है कि उनका प्रोडक्ट 12 हो। ओके, तो इसके लिए बच्चों देखिए 12 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, 12 कब कब हो सकता है भाई, 1 इंटू 12 भी 12 होता है और 12 इंटू 1 भी 12 होता है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। फिर 2 की बात करें, 2 इंटू 6 या 6 इंटू 2 ये पॉसिबल है। फिर इसके बाद 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 भी पॉसिबल है, और कोई नंबर नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि एक तो आउटकम ये हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 3 4 और 4 3, ये 4 आउटकम्स पॉसिबल हैं। ओके, अब इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो अब ये जो आउटकम्स है 2 6 6 2 3 4 4 3, ये ऐसे आउटकम्स हैं कि इनका प्रोडक्ट 12 होता है। ओके, तो ये हो गए फेवरेबल आउटकम्स जो कि 4 होंगे, और कुल आउटकम्स कितने हैं 36, तो 4 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/9, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि एक ग्रीन कलर्ड बॉल को ड्रॉ करने की प्रायोरिटी क्या होगी जबकि बैग में 6 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। क्योंकि बच्चों इस बैग में ग्रीन कलर की बॉल है ही नहीं, इसका मतलब यह है कि आप ग्रीन कलर की बॉल ड्रॉ कर नहीं सकते, ये एक इंपॉसिबल इवेंट है, मतलब इसकी प्रायोरिटी 0 हो जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफलेट डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। बच्चे एक कार्ड को ड्रॉ किया जाता है 52 कार्ड में से, तो आपको प्रायोरिटी बतानी है एक फेस कार्ड ड्रॉ होने की। ओके, कुल कार्ड से बच्चों कुल कार्ड देख पा रहे हैं 52, अब फेस कार्ड कितने होते हैं 12। ओके, तो प्रायोरिटी हो जाएगी 12/52। बच्चों कुल फेस कार्ड जो होते हैं 12 होते हैं है ना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 12, कुल आउटकम्स कितने हैं 52। अब इसे कैंसिल कर लेते हैं 4 से, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये जो 52 है ये 13 टाइम्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द प्रायोरिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज पी, किसी भी इवेंट के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी पी है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स नॉट हैपनिंग इज। देखिए बच्चों मान लीजिए कोई इवेंट ई है तो इसकी हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है पी है ना, तो पी ऑफ नॉट ई हमें बताना, पी ऑफ नॉट ई बताना है। ओके, पी ऑफ नॉट ई तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 1 - पी ऑफ ई, भाई प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होने, ऐसे समझिए आप पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, तो पी ऑफ नॉट ई पता करने के लिए क्या करेंगे 1 - पीई, तो 1 - पीई तो ये बच्चों हो जाएगा 1 - पीई, कितना है हमारे पास पी है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, तो पी ऑफ नॉट ई हो जाएगा 1 - पी और ये हो जाएगा 1 - पी, ऑप्शन डी इज करेक्ट।